सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे सब आए हो? अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ये है नोएडा अक्षरधाम के जो रोड जाती है उस पर। और आज मैं दिखाने वाला हूं न्यू अशोक नगर का, RRTS का स्टेशन और DND साइड का, और इधर का न्यू अशोक नगर साइड का। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो दोस्तों। और आपको बता दूं कि इस रोड को देख सकते हैं, ये RRTS क्रॉस करेगी। दोनों साइड के पिलर बन चुके, आधा पिलर ये लेफ्ट हैंड का बन चुका है DND साइड का, और पूरा पिलर आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, यानी कि न्यू अशोक नगर के साइड का। और आपको बता दूं ये राइट हैंड पे पूरा नाला है, और नाले के बीच में ही ये पिलर बनाए गए हैं दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से। दोस्तों ये चल रहा है पिलर बनाने का काम, देख सकते हो। ये हैं कुछ तस्वीरें, तो अपनी आंखों से देख सकते हो। ये वहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है, और ये है DND फ्लाईवे, देख सकते हो। यहाँ पर ये पिलर स्टैंड कर दिया जा चुका है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और ये है DND फ्लाईवे आगे, और वहाँ से फिर आपको बता दो लॉन्चर, देखो वो सामने लगा हुआ है, देखो वो लॉन्चर लगा हुआ। और ये आ रहा है न्यू अशोक नगर की साइड में दोस्तों। तो ये है, और चलते हैं यहाँ से न्यू अशोक नगर के लिए। तो चलिए मैं आगे तक दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे भी देख लो आप लोग कि आगे कितना कुछ वर्क चल रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। तभी यही कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। देखो दोस्तों ये पियर कैप बनाई गई है इसकी, अब इसका ढांचा उतारा जा रहा है, और इस पर लॉन्चर वो उधर लगा हुआ है जो बायोडक्ट को कनेक्ट करता हुआ आ रहा है। उसमें एक बस से पियर कैप बचा है बनाने के लिए, और उसकी जो कैप है वो रखी हुई है वहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते चल के। और जो एरिया है ये है DND फ्लाईवे, और इधर की साइड में है मयूर विहार, और आपका आ जाएगा न्यू अशोक नगर का मेट्रो स्टेशन, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले इसे देख लो, ये पियर कैप बनाने हैं अभी तो इस पर, और इसमें सेक्टरिंग लगा के अभी इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे उधर उस साइड में, और देख सकते हैं ये मयूर विहार की रोड है, और ये चली जाती है आगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए इधर साइड में। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चलते हैं न्यू अशोक नगर की साइड में, उधर भी आप दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या वर्क चल रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो सब कुछ आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो कर दो। देखो ये हमारी टीम लगी हुई है NCRTC द्वारा, और बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है, और इसके ये अब पियर कैप बना के ये निकाल दिए गए हैं, देखो इस तरीके से। और आगे दिखाते हैं जो बनाया जा रहा है ढांचा, तो थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं आप लोगों को कि आगे क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, वो भी आप सभी लोग देख लो। कि इसका देखो पियर कैप कैसे बनाया जाता है, जो सरियाओं का जाल है वो कैसे बांधा जाता है, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो, और नीचे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को। तो दिखाते हैं आप सभी को अभी इस टाइम पर कि देखो किस तरीके से ये बना रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बनाया जाता है ढांचा, ये देखो सरिया सरिया लगा हुआ है इसमें, बिल्कुल ही अच्छी वाला, देखो आप लोग तस्वीरें अब देख सकते हो कि सरिया सरिया लगा हुआ है इसमें पियर कैप में दोस्तों, और ये पियर कैप ऊपर लगाया जाएगा इसके, तस्वीरें देख सकते हो। और उधर वो क्रेन मशीन चल रही है, तो उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं चल के, और आप लोग देख लो दोस्तों। देखो जैसा कि मैंने बताया है ये DND साइड में है, वो DND आगे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर देखो पाइलिंग मशीन भी और ये लॉन्चर भी लगा हुआ है उस साइड में, और यहाँ पर एक पिलर बचा हुआ है अभी बनाने के लिए, तो वो भी आप लोग देख लो कि इसका फाउंडेशन का काम चल रहा है अभी, क्योंकि इसमें अभी भरा हुआ है क्या पानी, देख सकते हो ये पानी भरा हुआ है इसमें, और ये पानी बिठाया जाता है ताकि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाने के बाद में फिर इस पर पियर कैप बना दिया जाएगा जैसे वो बना हुआ है उस साइड में दोस्तों, देख सकते हो तस्वीरें।
कुछ ये है सीन यहाँ का, बस यही पिलर बचा हुआ है, बाकी सारे पिलर तो कनेक्ट कर दिए हैं। देखो ये जेसीबी लगी हुई है और उधर लॉन्चर भी लगा हुआ है, पाइलिंग मशीन भी ये खड़ी हुई है सामने। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को दोस्तों। तो चलते हैं अब न्यू अशोक नगर की साइड में दोस्तों। इधर ये देख सकते हैं ये पिलर बनाए जा रहे हैं, और आपको बता दो कि ये है न्यू अशोक नगर का स्टेशन। देखो ये दोनों पिलर बनाए जा रहे हैं इधर की साइड में इस तरीके से यहाँ पे, और ये बचा हुआ है इधर का। देखो ये है न्यू अशोक नगर का स्टेशन दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, और यहाँ पर ये पाइल किया जाएगा, यहाँ पर भी पिलर बनाया जाएगा दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। ये है स्टेशन बनाया जा रहा है न्यू अशोक नगर का RRTS का दोस्तों, और ये है न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन दोस्तों। ठीक है अब चलते हैं, हम इधर ही आ जाते हैं अभी। ये न्यू अशोक नगर का स्टेशन दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर बनाया जा रहा है RRTS का न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन गाइस, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। देखो आप लोग, और यहाँ पर लॉन्चर भी लगा हुआ है, यहाँ पर आपको लॉन्चर भी देखने के लिए मिलेगा गाइस। ये देखो स्टेशन पर अभी जो काम चल रहा है, वो पिलर को जोड़ने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। देखो ये टीम लगी हुई है NCRTC द्वारा, और ये बनाया जा रहा है न्यू अशोक नगर का RRTS का स्टेशन गाइस। देखो अभी ये पिलर को स्टैंड करने का काम चल रहा है, और फिर इसके प्लेटफॉर्म लेवल का भी बनाया जा रहा है, अभी कौन कौन से लेवल के ये क्या नाम है बिंग्स को ऐड किया जा रहा है दोस्तों, फिर प्लेटफॉर्म लेवल का ये बनाया जाएगा अभी ऊपर का पार्ट। तो देख सकते हो यहाँ पर ये गटर लॉन्चिंग कर दी है इधर की साइड में, और ये लॉन्चर भी लगा हुआ है जो बायोडक्ट को जोड़ रहा है एक पिलर से दूसरे पिलर को दोस्तों। तो यही नज़ारा है यहाँ का न्यू अशोक नगर का, और चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे क्या कुछ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। देखो यहाँ से ये बायोडक्ट को जोड़ दिया जा चुका है लॉन्चर ने। न्यू अशोक नगर से निकलने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं ये सारा बायोडक्ट कनेक्ट कर चुका है, और ये कौंडली से पहले हो चुका है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। अब इस पर क्या करना है, इस पर जो पैराफिट वॉल हैं वो भी बना लिए जा चुके हैं, अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने इस बायोडक्ट पे, और उनके ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है दोस्तों, और इस पर ट्रैक स्लैब बिछाने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों। तो यही सीन है इधर। We'll be right back.
सकते हो दोस्तों, ये है कौंडली और यहाँ पर अभी कोई वर्क नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पर भी ये पियर कैप बनाया जाना, पियर इधर इस साइड में, उधर तो बन गए हैं, देखो वो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। अब चलते हैं इधर की साइड में, और एक पियर यहाँ पर भी बनाया जा रहा है पिलर, तो इधर नहीं बना है अभी इस टाइम पे। यहाँ पर तभी ऐसा ही है, तभी वर्क नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वो भी बनाया जा रहा है ब्रिज दोस्तों। और देखो वो कंक्रीट भरा जा रहा है अभी, कंक्रीट भर के और फिर इसको किया जाएगा मजबूत दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये NCRTC की वो लगी हुई है। तो बस यही था आज का वीडियो। तो ये बनाई जा रही है टनल, देख सकते हैं NCRTC की, और ये यहाँ पर होगा लास्ट पिलर, ये देख सकते हो, ये यहाँ का ये लास्ट पिलर है जो कि इस पर पियर कैप का काम किया जा रहा है। फिर यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगी सुरंग, जो कि आनंद विहार में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होने वाला RRTS का स्टेशन, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो उसका साइड वो चमक रहा है, और ये है नाला यहाँ का, और ये है कौंडली। तो एक पिलर ये है जिस पर अभी आपको बता दूँ कि इसका पिलर का जो फाउंडेशन है वो पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इसमें रिंग लगा कर और इनको कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का, देख सकते हो तस्वीरें, वो ट्रक आ रहा है यहाँ पर, ये NCRTC की टीम लगी हुई है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, तो आप लोग बताना कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा हो कमेंट करना, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक कौंडली से, दोस्तों यहाँ से ये अंडरग्राउंड होगी, और आपको बता दूँ कि ये आनंद विहार में आपको बता दूँ अंडरग्राउंड स्टेशन रहेगा, फिर उसके बाद में ये वैशाली में जाकर निकलेगा, वैशाली मेट्रो स्टेशन रेड ब्लू लाइन का है दोस्तों, वहाँ पर ये उसके सामने ही ये टनल निकलेगी। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये वर्क चल रहा है, और ये रात का सीन है, और यहाँ पर देख सकते हो ये टनल का ही काम चल रहा है नीचे अंडरग्राउंड। और आपको बता दूँ कि इसमें बस एक ही है, और ये 6 किलोमीटर की टनल है, जो कि कौंडली से ये अंडरग्राउंड होती है, और ये वैशाली के सामने निकलती है जाके दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। कुछ ये सीन है टनल का, जो कि अब कंप्लीट सी हो गई है, इसका दोनों साइड में वर्क चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में दोस्तों, ये देख सकते हो सीन, देखो आप रात का सीन है ये, कितना सुंदर नज़ारा चमक रहा है यहाँ का। और ये आ जाता है साहिबाबाद का स्टेशन, जो कि उस पिलर पर देख सकते हो वो पियर कैप बनाने का काम चलने लगा है, सेटरिंग बिठा दी है, जिसका मैंने परसों की वीडियो में डाला था उसमें नहीं बना था, अब इस पर सेटरिंग बिठा दी है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो हमारी वीडियोज़ को, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।